শুক্রবার শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ প্রতিষ্ঠিত কন্যাগড় রাজরাজেশ্বরী মঠে মহাশিবরাত্রিতে জগদম্বা মা রাজরাজেশ্বরী পূজিত হলেন ভগবান শঙ্কর রূপে। এদিন চার প্রহরে মা জগদম্বারূপী রাজরাজেশ্বরীকে ভগবান শঙ্করের বেশেই পুজো করা হয়। বহু ভক্তের সঙ্গে এই বিশেষ মুহূর্তে পুজো দিলেন বিধায়ক প্রবীর ঘোষালও। পরে ভক্তদের মধ্যে रात्रि मोहरात्रि महारात्रि, तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जगदम्बा को आज भगवान शंकर के रूप में श्रृंगार से सजाया गया है। साक्षात शंकर स्वरूप में भगवती विराजमान है। हम लोगों का ये मानना है, वो शास्त्र ये बात कहते हैं, माँ जगदम्बा ही समय समय पे अपने स्वरूप को
बदलती रहती हैं, कभी वो शंकर हो जाती हैं, कभी विष्णु हो जाती हैं, कभी कृष्ण हो जाती हैं। आज जगदम्बा शिव स्वरूप में विराजमान है और तीन रात्रियों का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। तो कालरात्रि मतलब दीपावली, मोहरात्रि मतलब जन्माष्टमी, तो महारात्रि मतलब महाशिवरात्रि। इन रात्रियों में भगवान का जो व्यक्ति पूजन करता है, चार प्रहर का पूजन होता है भगवान शंकर का, तो उसकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान, जिनको हम आशुतोष भी कहते हैं, पूरी करते हैं। तो आज जगदम्बा का मणि शिवलिंग में अभिषेक हुआ, जगदम्बा के मंदिर में समस्त मिला सैनिकों ने सामूहिक पुष्पांजलि, समस्त विश्व कल्याण के उद्धार के लिए और सनातन पद्धति से भगवान राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बने और उनकी सनातन पद्धति से पूजन हो, उसके लिए प्रार्थना किया भगवान शंकर से, पूजन आराधन किया है। सुबह से ही तांता लोगों को लगा है, लोग जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर से अपनी अपनी इच्छा मांग रहे हैं, इच्छा पूर्ति हो रही है।